स्टूडेंट्स फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स पे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम है अ गैस इज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर फिटेड विद अ पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.10 मीटर स्क्वायर द प्रेशर ऑफ द गैस इज मेंटेन्ड एट 8000 न्यूटन पर स्क्वायर ऑफ मीटर When heat is slowly transferred, the piston is pushed up through a distance of 4.0 cm If 42 joule heat is transferred to the system during the expansion, what is the change in internal energy of the system? तो so, हमने in internal energy में change calculate करना है. Condition किस किसम की है? हमारे पास ये यहाँ पे पहले represent कर लेते हैं. तो कहा गया है कि एक container है. ये हमारे पास एक container है. ठीक है जी. और इसमें फिर जो है वो गैस मालिक्यूल्स हैं और इस कंटेनर में इस ये कंटेनर जो है इसमें पिस्टन भी जो है वो है ठीक है यहाँ पे हम जो है पिस्टन रिप्रेजेंट कर लेते हैं ये सपोज के हमारे पास पिस्टन है ये पिस्टन है हमारे पास तो कंटेनर क्योंकि एक सिलेंडिकल फॉर्म में होता है हमारे पास तो पिस्टन भी जो है वो एक यहाँ पे जो बनेगा वो एक उसका ये वाला बेस जो है ये सर्कुलर फॉर्म में होगा क्योंकि हम जानते हैं कि कंटेनर का यहाँ पे अगर हम जो है वो रफली रिप्रेज़ेंट करें तो बेस जो होता है वो सिलेंडरिक सिलेंडर का बेस जो होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है तो इस तरह से इसके साथ अटैच जो पिस्टन है उसका भी जो बेस होगा वो सर्कुलर फॉर्म में होगा ठीक है ये पिस्टन है तो अब इस पर प्रेशर जो है वो फिक्स रखा गया है यानी कि एट न्यूटन पर स्केरा मीटर है तो फिर इसमें गैस मालिक्यूल्स हैं यहाँ पे इसमें गैस मालिक्यूल्स हैं और फिर हम इन इसको हीट जब आ, देते हैं ठीक है हीट जो कि क्यू की फॉर्म में हम इसको हीट जो है वो देंगे ठीक है तो क्यू हीट जब हम इसको देते हैं तो इसके वॉल्यूम में चेंज आता है और वॉल्यूम में चेंज किस तरह से आएगा हम जानते हैं कि वॉल्यूम जो होता है वी वी इज इक्वल टू यह क्रॉस सेक्शनल एरिया सिलेंडर के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट या लेंथ होता है ठीक है यहाँ पे चले एच से रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो लेंथ या हाइट को तो क्योंकि वर्टिकली लेंथ होगी तो हाइट से रिप्रेजेंट करेंगे ये वॉल्यूम होता है अब क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो तो चेंज नहीं होगा इस सिलेंडर के लिए सिर्फ जो यहाँ पे जिस जितने एरिया में गैस जो इनक्लोज है सिर्फ उसका वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है हम देख रहे हैं कि कहा गया है कि डिस्ट अपवर्ड मूव करता है पिस्टन ठीक है तो वर्टिकली जो है वो डिस्टेंस यानी कि वर्टिकली लेंथ जो हाइट जिसको हम कह रहे हैं वो चेंज होगी अब सपोज के पहले सिलेंडर जो था सॉरी पिस्टन जो था वो यहाँ पे था ये पहले जो थी पिस्टन की ओरिजिनल इनिशियल पोजीशन थी और यहाँ से फिर पिस्टन जो है वो यहाँ तक मूव हुआ है और कितना मूव हुआ है जी वो हमें कहा गया है कि 4.0 सेंटीमीटर मूव हुआ है तो इस 4.0 सेंटीमीटर डिस्टेंस को हम डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो इस तरह से हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा इस केस में वी इज इक्वल टू ए डेल्टा वाई अब क्योंकि यहाँ पे हाइट में चेंज आया है तो वॉल्यूम में चेंज आएगा ठीक है तो ये कंडीशन है हमारे पास अब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स यूज़ करते हुए डेल्टा यू यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना है पहले तो हम डाटा लिख लेते हैं हमें डाटा जो है वो क्या क्या गिवन है तो डेटा में एक तो हम देख रहे हैं कि हमें जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए जो है वो गिवन है वो कितना है जीरो पॉइंट वन जीरो मीटर स्क्वायर ठीक है और फिर प्रेशर जो है वो पी वो हमें गिवन है ये कितना है जी ये एट थाउजेंड एट थाउजेंड न्यूटन पर स्केयर ऑफ मीटर गिवन है और फिर हमें डेल्टा वाई जो है वो गिवन है वो है जी हम फोर सेंटीमीटर फोर पॉइंट जीरो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मीटर में स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हम जानते हैं कि हंड्रेड सेंटीमीटर जो है वो वन मीटर के बराबर होता है तो फिर इस तरह से एक सेंटीमीटर जो है वो वन ओवर हंड्रेड मीटर के बराबर आ जाएगा तो फिर इस तरह से फोर सेंटीमीटर जो है वो बराबर आ जाएगा वन ओवर हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई फोर मीटर ठीक है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं यानी कि ये जो वन ओवर हंड्रेड है इसको टेन की पावर में टेन की नेगेटिव पावर में लिख सकते हैं फोर पॉइंट जीरो इंटू टेन रेज टू पावर माइनस टू मीटर ठीक है तो ये हमारे पास डेल्टा वाई स्टैंडर्ड यूनिट में आ जाएगा और फिर इसके साथ साथ जो है वो हमें कहा गया है कि इंटरनल एनर्जी जब एक्सपेंशन होती है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज हमने कैलकुलेट करना है अच्छा हीट भी हमें दी गई है कितनी दी गई है फोर्टी टू जाउल ठीक है तो Q की फॉर्म में हम हीट को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू जो के हमें दी गई है 42 ये दी गई है है हमें तो तो हमने करना है, डेल्टा यू हमने फाइंड फाइंड आउट आउट करना डेल्टा करनी है, ए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं सारा डाटा हमने देख लिया क्या क्या हमें गिवन है और सोल्यूशन में हम पहले तो फर्स्ट लाव थर्मोडायनामिक्स लिखते हैं हम जानते हैं कि फर्स्ट लाफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास होता है Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डब्ल्यू यानी कि अगर हम एक हीट प्रोवाइड करें सिस्टम uh, को तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज भी आता है प्लस वर्क डन भी होता है ये कंडीशन कांस्टेंट प्रेशर पे होती है और हमने देखा कि प्रेशर इस केस में कांस्टेंट है तो फिर वर्क हम कैसे कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट्स वर्क हमारे पास होता है प्रेशर और कॉन्स्टेंट प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम का प्रोडक्ट ठीक है यानी कि डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी होता है और डेल्टा वी जो है वो हम uh, हमें दे, हमने देखा कि डेल्टा वी जो है वॉल्यूम में चेंज है वी हम ए डेल्टा वाई से कैलकुलेट कर सकते हैं तो इस तरह से डब्ल्यू हमारे पास आ जाएगा पी ए डेल्टा वाई ठीक है जी तो फाइंड आउट करना है हमने डेल्टा यू तो इस इक्वेशन को जिसको हम इक्वेशन वन कह रहे हैं फर्स्ट लाफ थर्मो डायनेमिक्स है तो इसको हम मॉडिफाई करेंगे डेल्टा यू के लिए तो डब्ल्यू क्यू के, तो के साथ माइनस हो जाएगा तो फिर हमारे पास डेल्टा यू आ जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू q माइनस डब्ल्यू ठीक है अब स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा u आ जाएगा q की वैल्यू है हमारे पास 42 टू जाओल और जाओल माइनस वर्क हम पी ए डेल्टा y से कैलकुलेट करेंगे तो p की वैल्यू हमारे पास है 8000 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर और मल्टीप्लाई होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास 0.01 पॉइंट जीरो वन मीटर सॉरी जीरो पॉइंट जीरो मीटर स्केयर और मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वाई है हमारे पास फोर इंटू टेन रेज टू पावर माइनस टू मीटर ठीक है जी ये हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ हैं अब स्टूडेंट्स जब कैलकुलेटर की मदद से पहले ये वाली वैल्यूज़ में सॉल्व कर लेता हूँ तो जब मैं ये वाली वैल्यू सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है ये तो 42 टू जॉल वैसे लिखेंगे माइनस ये वाली वैल्यू मेरे पास आती है 32 टू थर्टी टू अब बात करते हैं यूनिट्स की कि यूनिट क्या बनेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक तो हमारे पास है न्यूटन पर मीटर स्केयर ये पर मीटर स्केयर को इस फॉर्म में हम लिख रहे हैं और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है मीटर स्केयर से फिर मल्टीप्लाई हो रहा है मीटर से तो मीटर स्केयर पर मीटर स्केयर जो है ये कैंसिल आउट होंगे ये कैंसिल आउट होंगे तो हमारे पास न्यूटन मीटर बच जाएगा और स्टूडेंट्स न्यूटन मीटर के बराबर होता है कैसे जाउल के बराबर होता है हम जानते हैं कि W होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के और फोर्स होता है न्यूटन में और वर्क डिसमेंट uh, होता है मीटर में तो इस तरह से न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जाउल हम जानते हैं कि वर्क के यूनिट जाउल के होते हैं तो इस तरह से न्यूटन मीटर जाउल के बराबर आ जाएगा तो फिर डेल्टा यू हमारे पास आ जाएगी फोर्टी टू जाओल माइनस थर्टी टू जाउल ठीक है अब फोर्टी टू उेल में से 32 टू जॉल माइनस करेंगे तो डेल्टा यू यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 10 जॉल तो ये स्टूडेंट्स इंटरनल एनर्जी में सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में इतना चेंज आएगा और ये चेंज हमने फर्स्ट लॉ थ्रो यूज करते हुए कैलकुलेट किया है